हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में। और आज ये नेक्स्ट वीलॉग है जिसमें ददिया सास की जो गांव है, मतलब कि जो सास की ससुराल है, वो मैं यहां पर दिखाने वाली हूं, क्योंकि हम वहीं पर जा रहे हैं। कल तो हम वीलॉग में पूरा नहीं दिखा पाए थे। साथ ही साथ जो है वो ससुर जी के डेथ के बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ में कुछ इशू हुए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर तहसील में आना पड़ा और हमें कुछ काम पेंडिंग रह गए थे प्रॉपर्टीज से लेकर के, तो वो हमने यहाँ पर किए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ज़्यादा वीलॉग में तो नहीं बता सकते, पर कुछ इश्यूज जो है कभी कभी बड़े बूढ़े के जाने के बाद प्रॉपर्टीज में इशू आ जाते हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने आए थे यहाँ पर और चीज़ों को सॉर्ट आउट भी हमने कर लिया था। मैं आ गई हूँ सफीपुर जो ददिया सास के गांव। ये देखिए यहाँ पर ऊपर बोर्ड में लिखा भी है सफीपुर। तो मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम। हाँ, यहाँ पर हमारी खेती वती सब कुछ है। क्या और यहाँ मैं बन जाती हूँ बहू, क्योंकि सर पे पल्ला रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ के जो समोसे छोले थे ना, वो बहुत टेस्टी थे, तो मैंने यहाँ पर खाए थे। तो भैया ने कहा कि खाकर देखो, यहाँ के समोसे छोले जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और शादी के इतने साल हो गए, 14 साल बीत गए, पर कभी मेरी ससुराल वालों ने मुझे इस गांव को नहीं दिखाया था। पर आज इस गांव में जाने के बाद मुझे, मतलब कि मैं जा रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है जो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे गांव देखे हुए। और वैसे भी जब कभी आप कहीं की बहू होते हो तो आप चाहते हो कि आपको बहू का सम्मान जो है हर जगह मिले, तो वो सम्मान जो है शायद मुझे यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से बहू को सम्मान जाता है। और जो शहर के लोग जैसे होते जा रहे हैं ना, शहर के लोग जो है बहुत ज़्यादा अब वो बात नहीं रह गई है जितना गांव के लोग में। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मेरे गांव के पास में नहर पड़ती है, तो वो नहर मैंने सुना तो था, पर आज मैंने देख भी लिया। और देखने के बाद मुझे लग रहा है कि रियल में, मतलब कि जो इतने सालों से नहीं देखा, अविष्का इस चीज़ को मिस करेगी, क्योंकि अविष्का को मैं यहाँ पर नहीं ले जा रही हूँ। और मैं वीलॉग में बहुत कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि भैया आगे बैठे थे, तो मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, इसीलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बड़े के सामने आप ऐसे बोलते रहो। तो भैया आगे वाले सीट पर बैठे हुए हैं। और ये जो है यहाँ से जो गाँव है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि आम के बाग वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरे जो जितने भी बड़े बूढ़े थे, मेरे जो सास ससुर थे, तो वो कहते थे कि सुविधाएं नहीं है इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि शहर की लड़कियां जो है वो गांव नहीं देखना चाहती, या गांव में वो एक या दो दिन बिता नहीं सकती, या हम ऐसे हैं कि मतलब सुविधाओं के चक्कर में हम कभी गांव का मज़ा ही नहीं ले सकते। आज मैं इतने सालों बाद, आखिर 14 सालों बाद मेरे पति मुझे ले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात कई बार कही थी, पर उन्होंने इस बात को फिर तब तो ध्यान नहीं दिया। पर जब यहाँ पर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और इस तरह के इशूज़ आ गए, जहाँ पर लगा कि हमें अपना गाँव देखने की जरूरत है, तब मेरे हस्बैंड यहां पर लेकर मुझे आए हैं। और रियल में आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं। और फाइनली जो है मैं अपने ददिया, मतलब जो ददिया सास थी, उनका घर पे आ गई हूँ। यहाँ पर वेट कर रही हूँ क्योंकि जो भैया है ना, वो थोड़ा सा, क्योंकि हम पहली बार आए तो हमें ज़्यादा घर कंफर्म नहीं है, तो और इतनी खुशी हो रही है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतने साल बाद मैं आई हूँ रियल में। क्योंकि मिट्टी से जुड़े रहना किसको नहीं अच्छा लगता है, पर मिट्टी से जोड़ने वाले जो बड़े बूढ़े होते हैं, और बड़े बूढ़े जो है जब ऐसा करते हैं तब तब जो है पेरेंट्स जो है, मतलब कि हम लोग अलग होते हैं, नहीं तो सबको शौक होता है मिट्टी से जुड़े रहने का। चलिए चलते हैं। गोपाल गुप्ते ले लें, गोपाल की शक्ल दिख जाए कम से कम। ये बनारसी हमारा देवर है, ये बनारसी है, चौसा भी है एक, अच्छा, और ये भी है, और ये भी है, दूसरा है, नहीं नहीं है, ये है, बनारसी लिंगड़ा बोलो जाते किसके आए दा
और मैं वीडियो बनाएंगे। अच्छा तो ठीक ही है। पुरानी देरी है क्वार्टर की थी, यहाँ बहुत डाल रहे हो क्या चीज है क्वार्टर। तुम्हारा काम तो नहीं है गड़बड़ सड़बड़ है बाबू डारे आगे है क्वार्टर तेरे और याद बात है। हम सोचे चल के जो आ जाए अब भैया सब इधर बताओ का है अरे हम लड़ाई छोड़ गा के कोई नहीं कोई नहीं। अरे वो भी बाप रे चलो चलो बात ऐसी बड़े बुजुर्ग है कह दिया तो कह दिया उस भैया 100 साल की है मजाक थोड़ी है, है? 100 साल की कम थोड़ी होता है क्या? इतने बुजुर्ग कहाँ मिलते हैं है ना आजकल तो है कोई नहीं कोई नहीं बिल्कुल परेशान मत होइए। हम कुछ कह रहे हैं आपसे खुश रहिए जब तक है तब तक कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जरूर लगा दे हो सेमी हाँ। बड़ी मजा आ रही है चलेगी नातिन का नाई तुम नातिन अरे हम फिर ले आएंगे खुश होती देखो ये गांव में आम लगे हैं। अरे बहुत खुश होती बहुत खुश बहुत देखो जामुन कितनी जा रही है चौसा का जी हमारे ये हमारे बाग जो है और खूब निकले आम दिख रहा है हाँ दिखते रहे आम लटकते वाव मजेदार हाँ दिख रहा है आवाज ना ही हमारी यही हो बिटिया नहीं हम आम दिखा रहे इसमें दाग पड़ जाएगा भैया मैंने अपने बाग के आम कितने साल हो गए मुझे पता है शायद ही बचपन में कभी देखा हो बाग गांव ही कब हो अरे अब तो यही रह जाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है भैया साथ हम अब इन्हें जान दो इन्हें जान दो तुम गोपाल साथ रह जाओ बेटी ले आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखो भाभी ये देखो दाल का चूहा है पका हुआ अरे वाह अभी बिल्कुल चूहा है पका मजा आ गया सही बात है जो अरे वाह अपना पानी है हाय देसी अरे ला यार हम खाएंगे यू ऐसे चूस के खाओ जाते एक और दे देसी भैया का क्या खाएगी बेटे का है और है तुम ले जाओ जितने दिल में टेस्टी बहुत है बहुत टेस्टी ये का अमन ये फोन सही करो इसका फिर बैटरी हाल के कई का इसका खोली करो सही हम चले गए रान हम ठेका के तो वापस आए बहुत अच्छा और का है मीठा बहुत मीठा बहुत मीठा जामुन दो मार बेटा देखे देखे कैसे मारता है मारते हो मारो देखे रुको हम मारो ए बना बहुत बना 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 ये
हाँ हम भी पानी पियेंगे, वैसे पियेंगे ऐसे वाले में। ना आरओ में तो मिनरल्स प्रोटीन सब निकाल के बाहर कर देता है। हाँ आरओ यही लगा है, को सुधार नहीं कर लेना। पांच जगह दर्द दे रही पड़े। और आज मेरे साथ जो है मेरे गांव से मेरा देवर आया है, और मतलब कि अभी तक व्लॉग में कभी देवर को नहीं दिखाया है, पर रियल में एक देवर है मेरा इस गांव में, तो मेरे साथ आज चल रहा है मुझे वहां तक छोड़ के। विदाई भाई भाभी की जो है बिल्कुल रोड तक कर देगा, और फिर मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी मैं फिर से गांव एक बार और आऊँ, क्योंकि मुझे रियल में गाँव बहुत 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 अच्छा लगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक विलेज व्लॉग है। इधर आ जाए, और ये अमर देखिए, ये गोपाल हमारे साथ साथ आया, और ये गाड़ी में पीछे पीछे से आया। ओहो हाय कर रहा है आप लोगों को, ठीक है फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंटी।